हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में नावा लिमिटेड को लेकर के। बैक टू बैक 5 दिनों से अगर देखा जाए इस स्टॉक में तो क्या बढ़िया रिटर्न, 10% की रिटर्न हमारे 5 दिनों में स्टॉक देता हुआ देखने को मिला है। और एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट के बाद इसका फॉलोअप भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कुछ देखेंगे तो रेफेक्स इंडस्ट्रीज तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर गया है। कहाँ हम लोगों ने देखा 400 रुपए के आसपास लिया था, और वहां से भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100% की रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, और अभी भी कंटिन्यूसली लगातार अपर सर्किट में ये स्टॉक बना हुआ है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा जाए तो ये भी आज 6% के आसपास अब था। बात करेंगे इस वीडियो में नाबा लिमिटेड को। अभी हाल ही में से Q1 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो उससे पहले इसमें किस प्रकार की परफॉर्मेंस देखने को बनते, तो सीधे से थोड़े से फंडामेंटल देख रहे थे, बाद में चलेंगे टेक्निकल पार्ट में। तो सबसे पहले फंडामेंटल की अगर देखा जाए तो मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग है, 39% के आसपास के मार्जिन, 40% के अराउंड मार्जिन देखने को मिलते हैं, या 45, 45, 40, तो कह सकते हैं मोटा मोटी 40% के एवरेज लगा लिया, तो 40% से 45% के आसपास के मार्जिन लगातार इस स्टॉक में हमें देखने को मिलते हैं। सेल्स देखा जाए तो 881 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास लगभग लगभग पिछले काफी टाइम से 800 से 1000 के बीच में सेल्स बनी हुई है, और लगातार बनी हुई है, कॉन्स्टेंटली बनी हुई है। तो थोड़ा सा इसमें अपग्रेडेशन की जरूरत है कि थोड़ी बहुत सेल्स अब बढ़नी चाहिए, क्योंकि लगातार काफी टाइम से अगर देखा जाए तो सेल्स लगभग कांस्टेंट है। 2019 से देखा जाए तो 2900, 2700, 2725, 2733 और 2035 में 3500 करोड़ के आसपास की सेल्स देखने को मिली। मार्जिन काफी अच्छे देखने को मिले, 44% के मार्जिन देखने को मिले, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा देखने को मिला। इसका बेसिकली रीजन था कि अदर इनकम भी इस बार अच्छी खासी देखने को मिली, 400 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट वगैरह से हो सकता है पॉसिबल ये कि इनकम आई हो। बाकी अगर बैलेंस शीट देखी जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिजर्व काफी अच्छे हैं, और डेट लगभग लगभग कॉन्स्टेंट है, और लेकिन रिजर्व लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ ही रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पर भी देखोगे तो स्टॉक भी सिर्फ 5.39 का ही अभी तक हुआ है। हम लोगों ने कहा 3 पे पकड़ा था, 3 के आसपास चल रहा था, और अभी तक स्टॉक भी इतना हाई लेवल पे बढ़ा नहीं है। बुक वैल्यू भी देखा जाए तो 415 रुपीज की है, और इंट्रेंसिक वैल्यू देखा जाए तो 658 रुपीज की है। तो दोनों से स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है। इस बार के एक्सपेक्टेशन अगर इन दोनों को अगर बीट करता है, अगर रिजल्ट जो आने वाले हैं आई थिंक 4 या 5 के आसपास आने वाले हैं, तो रिजल्ट जब भी आएंगे अगर इन दोनों को बीट करता है जून का, और ये दोनों बीट होते हैं 339 का, तो स्टॉक एक और अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। लेकिन रिजल्ट से पहले स्टॉक में ब्रेकआउट, ये एक अलग ही मोमेंटम है। आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिनों से स्टॉक लगातार एक बढ़िया मोमेंटम में बनाए हुए है। कहां हम लोगों ने जब यहाँ ब्रेकआउट आया था, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक लंबा कंसोलिडेशन था। देखा जाए यहाँ से लेकर के लगभग लगभग देखा जाए तो अप्रैल के बाद में, एक देख लेते हैं अगस्त से के बाद में ब्रेकआउट कहाँ देखने को मिला, तो जून में, जून 23 के आसपास हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, और उसके बाद में स्टॉक ने देखो तो अच्छे रिटर्न हम लोगों को डिलीवर किए हैं। 290 से बढ़कर के प्रॉफिट हमारा लगभग लगभग 372 तक आ चुका है, तो कितना प्रॉफिट आ चुका है ये भी देख लेते हैं, तो लगभग लगभग 30% के आसपास हम लोगों का प्रॉफिट ऑलरेडी बन चुका है। अगर कोई मिड टर्म के लिए है तो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो कर सकता है, एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है प्रॉफिट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। और अगर अभी कॉन्स्टेंटली अगर लॉन्ग टर्म में है तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक डेफिनेटली काफी अच्छा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अब डॉलर इंडेक्स अब बीट हो रहा है, मतलब वीक हो रहा है, तो इसके बाद से जो जो मेटल के क्षेत्र की काम कंपनियां हैं उनमें एक अच्छा मोमेंटम है बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के टारगेट तो काफी बड़े टारगेट है, वो इंटैक्ट है हमारा, 500, 700, 1000 रुपए तक के टारगेट वो इसमें देखने को जरूर मिल सकते हैं आगे वाले समय में लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म के टारगेट तो हम लोगों के अचीव होते हुए देखने को मिले हैं। आप लोगों का क्या व्यू है नावा लिमिटेड को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर कोई लॉन्ग टर्म में रहना चाहे तो इस स्टॉक में सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है, कोई काम नहीं करेगी, इस ट्रेंड लाइन को बस फॉलो करते रहिए। हाँ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तुरंत एग्जिट कर जाए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर सकता है। तो सबसे अच्छा यही है कि इस ट्रेंड लाइन को हमेशा पकड़ के रखिए, जहां पर ये ब्रेक हो तुरंत एग्जिट कर जाइए। बाकी अगर अभी अगर किसी ने प्रॉफिट अपने बना लिए है तो वो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो अभी कर सकता है। तो फिलहाल अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद।